अभी तो बाबा ने भी परमिशन दे दी। नाउ इवन बाबा हैज गिवन परमिशन। पहले परमिशन नहीं देते दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का। अर्लियर ही डिडंट यूज टू गिव परमिशन टू ट्रांसलेट द मुरलीज इन अदर लैंग्वेजेस। अभी तो बाबा ने परमिशन दे दी। जनरल पब्लिक की जितनी भी कैसेट्स है, जनरल पब्लिक की जितना भी मैटर है तुम्हारे पास हिंदी में, वो सारा दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ ही हैज परमिटेड all the cassettes, all the matter for the general public that you have in Hindi, you can translate all that into other languages. एक एक sentence का बोल बोला translation करना चाहिए। You should translate each and every sentence. अब वो accurate translation होगा, उसमें कोई mistake नहीं होगी। And the translation should be accurate. There shouldn't be any interpretation in it. और mistake होगी तो लोगों को पता लग जाएगा। पकड़ा जाएगा। एंड इफ देयर इज सम इंटरप्रिटेशन पीपल विल कम टू नो ऑफ इट यू विल बी कॉट। ट्रांसलेशन ऐसा हो जो सेंस भी ना बदले। द ट्रांसलेशन शुड बी सच दैट इवन इट्स सेंस शुडंट चेंज। और 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 लिटरल अनुवाद हो यहां तक हो सके। एंड इट शुड बी लिटरल एज मच एज पॉसिबल। हाँ, लिखना जीरो करना ये करना वो करना बहुत लंबा चौड़ा है। और ओरिजिनलिटी भी रहेगी, मिस्टेक नहीं होगी। पूरी सीढ़ी या पूरी कैसेट का अनुवाद ट्रांसलेशन एक सेंटेंस का। यस, टू नोट इट डाउन, टू टेक इट्स फोटोकॉपी, डू दिस एंड दैट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर। बाय ट्रांसलेटिंग द एंटायर वीसीडी और कैसेट ईच एंड एवरी सेंटेंस its originality will also remain intact, there won't be any interpretation. हमको अगर अंग्रेजी मालूम होती तो हम तो इसी काम में लग जाते। If I knew English, I would have become engaged in this very task. ये जो घूमना करना भूतों का काम हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो हम नहीं करते। I wouldn't have done this work of traveling and roaming around, which is something that ghosts do.